पहले दिन से कॉन्फिडेंस हमेशा था. शायद आपने अभी लोगों ने कहा भी है कि ओवर कॉन्फिडेंट था. कॉन्फिडेंट था, अब उनको सबको जवाब मिल गई. कॉन्फिडेंट था, बंदे में धर्म दम था, गर्व था, प्राइड है, एंड तभी ये इंसान यहाँ तक पहुँचा है. और किसके बराबर में खड़ा है वो भी मायने करता है. इन लोगों के बराबर में खड़े होकर यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है. नहीं मैडम, मेरी गेम फर्स्ट डे से बढ़िया थी. मैं नहीं मानता. शायद आपने एपिसोड देखा ना हो या इन्होंने दिखाई ना हो. जब मैं घर से बाहर जा रहा था तो मैं कह के आया था कि मैं अभी आ रहा हूँ. मैं इतना कॉन्फिडेंट था और भगवान का कमाल देखो कि जाते ही मैं वापस आया. तो इंस्पायर मैं शुरू दिन से था. मेरा एक ही मोटिव था, एक ही लक्ष्य था. कभी उस लक्ष्य से भटका नहीं. कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाती हैं, कुछ गलत चीज़, कुछ ऐसी चीज़ बाहर से, क्योंकि इमोशनल हो जाता है इंसान. एंड वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, पर हाँ टॉप फोर में पहुँचे हैं मैडम. और क्या चाहिए. ए वी में भी आई थी मैडम ये बात. स्लीपिंग ब्यूटी बोला जाता है तो बहुत अच्छी बात है. एटलीस्ट ब्यूटी का यूज़ किया मेरे लिए. एंड अगर सोते सोते कोई इंसान 15वें हफ्ते में टॉप फोर में पहुंच रहा है तो मैडम और क्या चाहिए. शायद सोना ही मेरी मेहनत हो. एंड मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं. सब सोते थे मैडम, मेरे से भी ज़्यादा. मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे से भी ज़्यादा कुकड़ू को बजाने वाले थे. पर शायद फ़नी मेरा लगता होगा, मेरा फेस ऐसा फ़नी बन जाता होगा उस मौके पे जो इनको दिखाना पड़ा. थैंक यू मेरा फेस ऐसे दिखाने के लिए. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. एटलीस्ट आपने दिखाया तो सही. इसी लाहे हैप्पी क्लब मेरे इमोशन से जुड़ा है, मेरे दिल से जुड़ा है. एंड हैप्पी क्लब से मैं हमेशा प्यार करूँगा. आज मेरे को नहीं पता, पर दो दिन बाद, चार दिन बाद हैप्पी क्लब ही होगा. क्योंकि हम आज जब निकल रहे थे तो शायद हम एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, मैं तो खासकर. एंड हैप्पी क्लब है, हैप्पी क्लब मेरे दिल में है, मेरे दिल में था और मेरे दिल में हमेशा रहेगा. मेरे हिसाब से वो कभी नहीं टूटा और ना कभी टूटेगा. शी इज़ इन लव विद यू. मेरे को नहीं पता मैडम जी, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि इतना लव और इतना मैं हूँ भी नहीं हैंडसम कि मेरे को लव किया जाए. शादीशुदा इंसान हूँ बढ़िया. और सोमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. अगर किसी की केयर को आप लव का नाम देते हो तो वो अपनी ओपिनियन है, पर मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि शी इज़ इन लव विद मी. वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. अगर दोस्ती के नाते उसने प्यार किया तो एक दोस्ती वाला सच्चा प्यार किया. एंड मैं उसकी दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ. सारी उम्र उसकी दोस्ती निभाऊंगा. जब जब मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ मिलेगा, मैं उसकी दोस्ती निभाऊंगा. मैडम जी मेरे हिसाब से तो मैं डिज़र्व करता था देखो. पर मौका ऐसा जिसके भाग्य में लिखा था उसके भाग्य मिल गई, कोई बात नहीं मैडम. उसको मिली वो भी अच्छी है, जिसकी क्योंकि किस्मत होती है, जिसकी डेस्टिनी जहाँ लिखी होती है उसको मिलती है. मैं उसके लिए भी खुश हूँ और अपने लिए भी खुश हूँ. जहाँ पे मैडम